अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। और इसके साथ ही मैं काफ़ी दिन इस साइट पे नहीं था, जिस वजह से मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अभी मैं दोबारा से अपने पॉइंट पे आ चुका हूँ और मैं अभी आप लोगों के साथ और भी वीडियो शेयर करूँगा। आज मैं आप लोगों का सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोज़ को लाइक किए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की और मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसे अपोलोजाइज में करता हूँ क्योंकि मैं कमेंट्स का प्रॉपर तरीके से आपको जवाब नहीं दे पाया, तो उसके बाद अभी मैं इस पर प्रॉपर आपको इसका रिप्लाई भी करूँगा सारा। और इसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने लगा हूँ वो ये एक डेल की मशीन आई है, डेल लैटिट्यूड 5500। इसका ये इशू है कि इसका फ़ैन एरर आता है, वो मैं इसको ऑन करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी तो बैटरी का ये मैसेज दे रहा है, बैटरी का इसका कॉल करना फिर आपको। ये रिप्लाई नहीं कर रहा, किसी टाइम वो फ़ैन आ रहा देता है, किसी टाइम अभी तो फ़िलहाल ये नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ैन का इशू क्या है, फ़ैन किस स्टॉक होता है, फ़ैन एरर अगर आता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, फैन को हम खोल लेते हैं। सबसे पहले इसका बैटरी का क्लिप उतार दें, तो बैटरी की वजह से हो सकता है कि शॉर्ट ना हो जाए। फ़ैन के अंदर कचरा था जिसकी वजह से स्टक हो रहा था, इस वजह से कह रहा था फ़ैन को ब्लोअर वगैरह कर लें, या आपके पास कोई और चीज़ लुब्रिकेंट वगैरह है W-40 वो लगा लें। लेकिन इस टाइम इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ये गर्द वगैरह थी, गार्बेज वगैरह थी, वो तेज़ हवा मारने से वो क्लियर हो गई। अब ये फ़ैन बिल्कुल अटक नहीं रहा, मूव ईजीली हो रहा है। इसको दोबारा से अब आप इसी तरीके से लगा दें। बैटरी का जो कनेक्ट उतारा था वो उसको वापस उसी तरीके से लगा दें।
अभी ये विंडो में जाएगा तो फिर इसका आगे पता चलेगा, लेकिन ये है कि अभी बिल्कुल ओके है। इसको अभी हम प्रॉपर बंद कर लेते हैं। इसका फैन वर्किंग करना शुरू हो गया। चलिए तक व्यूवर्स, इसलिए ये है कि फ़ैन का इशू था, इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स वगैरह अभी और आएंगे, मैं आप लोगों के साथ लाइव बजाय उनको शेयर करता रहूँगा। और इस तरह का कोई भी इशू आए, कीबोर्ड का इशू आता है, माउस पैड का इशू आता है, या फिर उसका इशू आता है, तो ईजीली इसी तरीके से इसको ओपन करते हैं, ओपन करके आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, उससे जो भी प्रॉब्लम वगैरह हुआ आप ये कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अब आपसे चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो पे मेरी आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।